राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन मंडे। मैं अपने घर की सुबह की साफ़ सफाई कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं सुबह जल्दी उठकर कैसे अपने घर के सारे काम फटाफट से जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं सुबह उठी थी करीबन 4:30 बजे, क्योंकि कृष्णा स्कूल गया था। तो मैंने सुबह उठने के बाद फिर सब्ज़ी वगैरह बना दी है और आटा लगा के रख दिया है, और बाकी मैंने जो भी किचन के चाय वगैरह थी सबको चाय वगैरह दे दी है। उसके बाद में फिर अपनी दोबारा की मैं झाड़ू लगा रही हूँ। इससे पहले मैं अपने हाफ पोर्शन में झाड़ू लगा चुकी थी, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं किचन वाले एरिया में पूरे में झाड़ू लगा देती हूँ। और अंदर के मैं अपने कमरे वगैरह की सारी सेटिंग कर आई हूँ, क्योंकि कृष्णा भी उठ गया था और ओम भी उठ गए हैं। ओम आज स्कूल नहीं गए थे क्योंकि गर्मी की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर इनके पापा ने मना कर दिया तो ये नहीं गए हैं, ये यहीं पर लेटे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे बाहर की सेटिंग पूरी करूँगी और उसके बाद फिर पूरे घर में झाड़ू और पोछा करूँगी। मैंने ना यहाँ पर ये कृष्णा के दो बैग हैं, एक ट्यूशन ले जाता है और एक स्कूल ले जाता है, तो स्कूल वाला ले गया, ट्यूशन वाला यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसे भी उठाकर उसके रूम में रखूँगी। और यहाँ पर ठाकुर साहब के कपड़े भी तख्त पे, मतलब ये तख्त जो बिछा हुआ है ना यहाँ पर, आप कभी भी देखो पूरे टाइम कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। मैं कितना भी सेट कर लूँ घर को, लेकिन यहाँ पर जो भी आएगा, बस जिसके पास जो कुछ भी होगा वो बस यहीं पे रखता चला आएगा। तो ये मतलब, और जो जंगले के आगे पट्टियाँ लगी हुई हों उन पे भी पूरे टाइम, आप कितना भी मैं साफ़ करूँ कुछ ना कुछ जो भी आएगा, जिसका भी जिसके हाथ में जो सामान होगा उसको वहीं पर रख देगा। जगह पे तो कोई पहुंचाता ही नहीं है घर में, खैर, लेकिन हाँ शॉर्टकट में यहीं पे टेक देंगे सामान को, हर सामान को। तो बस इस तरह से मैंने सारा सामान सेट कर दिया था और उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और कल हमारे यहाँ लाइट नहीं आई थी, इस वजह से कल गर्मी से ना बहुत मतलब परेशान हो गए सब लोग। सबसे ज़्यादा तो ओम परेशान हो गए, बाकी तो हम सबका तो चल जाता है, लेकिन ओम को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है। इस तरह से फिर मैंने ओम को आज इसलिए भेजा भी नहीं था स्कूल, क्योंकि कल पूरा दिन ही गर्मी निकल गया था। रात के 1 बजे लाइट चली गई थी, फिर आई ही नहीं बिल्कुल भी। और मौसम में मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बारिश जरा सी मतलब एक दो बूंद आएगी और बंद हो जाएगी, इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बाहर के एरिया में अगर आप निकल जाओ मंदिर वाली साइड में तो हवा लगती है, लेकिन घर में तो बिल्कुल भी हवा नहीं लगती है। और ओम हमारे बस आगे पीछे घूमते रहेंगे, और मैं उनका कुछ भी सामान उठा के रख दूँ ना तो रोना शुरू कर देता है। अभी मैं पटिया पे से उसका कुछ उठा के ले आई थी तो मेरे पीछे पीछे आया, वापस से उसको ले के चला गया, वहीं पर रखेगा मतलब। तो बस यहाँ पर मैं अपने सोफ़े वगैरह झाड़ के और फिर झाड़ू लगाऊंगी। और इन दोनों में जाले तो बस इतनी जल्दी हो जाते हैं, आप जरा सा रात में मतलब मैं वहाँ से निकल के गई थी तो कोई जाला नहीं था, और सुबह जब निकल के आई वहाँ से सोफ़े वाली साइड में तो जाले मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मुँह पे जाले आ गए हैं क्या। मैं साथ के साथ, जबकि नीचे वाले पोर्शन के तो मार लेते हैं जहाँ तक झाड़ू जाती है, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी मकड़ी जाले बना लेती हैं, क्योंकि उनके पास कोई और तो काम होता नहीं है, सिर्फ जाले बनाने का काम होता है। वो बस पूरे दिन जाले, पूरी रात जाले, आप कितना भी साफ़ करो कहीं ना कहीं रोज़ मिल ही जाते हैं। और इतना बड़ा घर है तो मेरे से तो रोज़ तो खैर नहीं मारे जाते जाले, महीने में एक दिन या 15 दिन में एक दिन ही मार पाती हूँ, और वो भी फिर मैं आधे आधे पोर्शन में करके मारती हूँ, क्योंकि एक साथ जब अगर मार देती हूँ तो फिर हाथ में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि फिर उससे तो और कुछ होता भी नहीं है। तो झाड़ू मेरे पूरे घर में लग गई थी और बस पोछा लगाऊंगी पूरे में। और मैंने इसी साइड से स्टार्ट किया था पोछा लगाना, क्योंकि मुझे गली ना पोछा लगाने के बाद बंद करनी होती है, वरना ठंडे की वजह से गली में बाहर से मतलब कुत्ते आके बैठ जाते हैं और फिर बहुत गंदी बदबू आती है उन कुत्तों में से। तो मैं पहले पोछा लगा के गली का गेट बंद कर दूंगी, उसके बाद फिर पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। और आज मैं आपको ना एक चीज़ और दिखाऊंगी। इस मौसम में मतलब बहुत आसानी से हो गया, वैसे मैंने बहुत दिनों से लगा रखा था लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैंने मतलब उसको लगा के, और बारिश छोटी मोटी होती रही है तो बहुत अच्छे अच्छे हो गए हैं वो, और आज आपको दिखाती हूँ मैं अभी। बस यहाँ से पोछा लगाने के बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे ना बहुत शौक़ है, लेकिन क्या करूँ, ठाकुर साहब को बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, इसलिए मेरा वो शौक़ ना थोड़ा पीछे रह जाता है, और मुझे बहुत पसंद है लेकिन। तो बस यही है मेरा शौक, मुझे ना प्लांट्स बहुत पसंद हैं, और मतलब मुझे अच्छा लगता है कि घर में बहुत सारे प्लांट्स वगैरह हों। मैं केयर भी कर लूँगी, लेकिन ठाकुर साहब को ज़्यादा शौक़ नहीं है। ये मैंने ना मनी प्लांट लगाया था, काफ़ी दिन पहले लगाया था, लेकिन उसकी छोटी छोटी स्टिक्स दो टूट गई थी, ओम ने ऊपर से कुछ गिरा दिया था तो वो जरा जरा से टुकड़े हो गए थे, फिर मैंने वो दो टुकड़े लगा दिए तो वो दोनों मतलब अच्छे से हो गए हैं, उनमें पत्ते आ गए हैं दो दो, और बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे ही प्लांट्स, मतलब ये नर्सरी से लेकर आए थे ठाकुर साहब, और तो मैंने मतलब ले लिए। और अभी इनको मैंने छोटे वाले गमलों में ही लगा रखा है, बड़े वाले में लगाऊंगी इनको सबको, बोल रही हूँ इनसे रोज़ ले आओ, लेकिन लेकर ही नहीं आ रहे हैं मुझे ना। और ये मनी प्लांट, ये वाला तो बहुत अच्छा हो गया था, पहले बॉटल में लगा रखे थे तो बॉटल से वो ऊपर से ओम ने कुछ गिराया था, वो बॉटल में से टूट गया था, तो फिर मैंने ये मिट्टी में लगा दिए, तो मिट्टी में लगाने के बाद काफ़ी अच्छे हरे भरे हो गए हैं,
और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में और देख सकते हैं आप पसीने के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर मैं आके मट्ठा लगाऊंगी दूध वगैरह पर, दही पलट के उसे फिर चलाने के लिए लगाऊंगी, वो चलेगा इतनी देर में। बाकी फिर अपना किचन का काम भी करूंगी। किचन में मैंने मतलब अभी दूध गर्म करने नहीं रखा है क्योंकि जब मैं पोछा लगा रही थी उस वक्त दूध आया था, तो बाल्टी में आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा दूध रखा हुआ है, इसे भी गर्म करने रखूंगी। गर्मी में जल्दी रख दो तो ठीक है, और वरना फिर दूध ख़राब हो जाता है यहाँ पर। और फिर मेरे किचन में बाकी ज़्यादा ऐसा कुछ काम नहीं बचा है मट्ठा लगाने के बाद, बर्तन वगैरह ज़्यादा बचे हैं बस, तो वो बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी मैं। और ये चल गया है, इसका मक्खन बाद में निकालूंगी, पहले मैं किचन का बाकी काम समेट लेती हूँ। ओम दूध मांग रहे हैं, पहले तो उन्हें दूध दूंगी। और ये सारे दूध रखे हैं, इन्हें भी छान कर गर्म करने के लिए रखूँगी। और ये चाय वगैरह के भगोने हैं, बर्तन हैं, ये सब साफ करके अब किचन को समेटूंगी, क्योंकि किचन में मुझे रोटियाँ बनानी हैं बस। सब्जी मेरी बन गई है और इसमें आटा रखा है और वो मैंने दूध जमा दिया है, और ये दूध बचा है तो इसमें से मैं ओम को दे दूंगी, और बाकी फिर ये लोग व्रत हैं, ये गाय की रोटी रखी है, तो ये लोग जब व्रत हैं ना तो नहा धो लेंगे, तो बाकी की फिर चाय बन जाएगी। और ये रखी है ओम की पेस्ट्री, ओम सुबह से मांग रहे हैं उठे हैं तब से, तो इसे मैंने निकाल के रख दिया, थोड़ा ठंडी तब भी कम हो जाएगी, उससे पहले इन्हें दूध दे दूँ, वरना उन्हें तो सुबह से ही बस पेस्ट्री पेस्ट्री चढ़ रही है कि पेस्ट्री दे दूँ मम्मा मुझे, रात भी खाई थी एक फिर नुकसान करती है। तो पहले ये किचन समेट लूँ पहले फटाफट से, ये सब तो मेरा रखा हुआ है, इसमें से तो मुझे कुछ भी नहीं हटाना। कुकर है, इसमें मैंने कतरी रखी हुई है, इसमें भी कतरी रखी हुई है, और बाकी सब तो खाना बना हुआ है, तो यहाँ तो कुछ नहीं करना, बस मुझे ये बर्तन समेटने हैं, बाकी सब तो हो चुका है। फिर जाऊंगी मैं पसीना सुखाने के बाद नहाने, बस आधा घंटे का काम है भी बर्तन और मक्खन वगैरह निकालना, ये तो सिर्फ आधा घंटे में मैं पूरा कर लूंगी। तो टाइम मैं दिखाती हूँ आपको कितना हो रहा है, इस वक्त 8:20 हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि सुबह कृष्णा स्कूल गया है, ओम नहीं गए, तो काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है, जल्दी उठने के बहुत फायदे होते हैं अगर लेट उठो तो उतना ही काम लेट हो जाता है, लेकिन टाइम से उठ जाओ तो काम भी टाइम से हो जाता है। फिर तो मैंने फिर फटाफट उठ के, जल्दी उठने के ना बहुत फायदे हैं, जल्दी उठने से मतलब सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन मुझे लेट उठने की बहुत बुरी आदत है। बच्चे स्कूल जाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं, अगर स्कूल नहीं गए हैं तो फिर मैं जल्दी नहीं उठ सकती, फिर तो मुझे 6 बजे से पहले आँख नहीं खुलती है। अब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर तो जल्दी हो जाता है। ओम तो आज भी नहीं गए क्योंकि आज उनके पापा जी ने नहीं जाने दिया, कल गर्मी, कल हमारे यहाँ ना लाइट नहीं आई थी पूरे दिन, मतलब रात के 1 बजे की गई थी और सुबह आई थी, सुबह भी नहीं आई थी, दिन भर भी नहीं आई थी, रात को आई थी 7:30-8 बजे के करीब आई थी शायद, हाँ ऐसी आई थी, इसलिए हमारा थोड़ा काम भी आज गर्मी की वजह से थोड़ा लेट हो गए थे। ये रहे आ गए, इन्हें बस लौट करके मम्मी दिखती रहती है ना। तो चलिए बस ये सारा काम समेट के उसके बाद पसीना सुखा के मैं नहा लूंगी, मतलब 9:30-9 बजे तक तो नहा लूंगी, क्योंकि पसीना सुखाने में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है गर्मियों में, ये सबसे ज्यादा टाइम मतलब वेस्ट करने वाली चीज है। स्टोर रूम दिख रहा है मेरा, अंदर बैग वगैरह टंगे हुए हैं। तो बस चलिए फटाफट से अब काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से नहाने धोने के बाद, तब मिलूंगी अब मैं, क्योंकि अब काम तो हो गया मेरा, जो भी है बचा है वो मैं बाकी कर लूंगी, बस रोटियां बनाना किचन में। और कपड़े बहुत सारे रखे हैं आज, मुझे मशीन लगानी है, मतलब पूरा दिन कपड़े धोऊंगी, क्योंकि परसों मैंने लगाई नहीं थी मशीन, कल लाइट नहीं आई तो कपड़े हो गए, मतलब आज के लगा के 3 दिन के कपड़े हो जाएंगे, 3 दिन के कपड़े मतलब ये सोच लीजिए बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत कपड़े हो जाते हैं, हम लोग कई जन हो जाते हैं तो कपड़े भी बहुत हो जाते हैं, आज सारे दिन बाकी टाइम तो कपड़े धोने में ही निकल जाएगा। चलिए मैं नहाने धोने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी मैं नहा धोकर हो गई थी फ्री, और आज कृष्णा स्कूल से ना बहुत जल्दी आ गए थे क्योंकि उनके स्कूल में कंडोलेंस हो गई थी, कि कोई टीचर थी उनके हस्बैंड मतलब खत्म हो गए थे, इसलिए तो वो भी जल्दी आ गया था, तो मैं नहा के मतलब नहा नहीं पाई थी तब तक तो वो आ गया था, तो बस फिर मैं नहा धोकर फ्री हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सो गई थी, और उसके बाद जब मैं सो के उठी तो देखा मैंने माँ जी ने दाल दल ली है, ये देखिए ये रखी हुई है दाल, ये मूंग की दाल है, माजी ने दल के मतलब इकट्ठी कर दी है, बस अब मैं इसे परात में भर के रख दूंगी, फिर कल माजी मतलब नहाने से पहले इसे फटक देंगी और साफ कर देंगी, फिर डब्बे में भर के रख देंगे। तो चलिए और इसी के साथ आज की वीडियो का करूंगी एंड, मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे।